हाँ जी, तो लास्ट थ्योरम देखिए अब इस सेक्शन की क्या बोल रहा है। वो सबसे पहले डेफिनेशन है कि अगर कोई टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम यू वेक्टर स्पेस टू वी, देन वी डिफाइन द डायमेंशन ऑफ आर टी एज रैंक ऑफ टी एंड डिनोटेड बाय दिस रो ऑफ टी। तो देखिए हम लोग पढ़ के आ चुके हैं ना, रेंज स्पेस ऑफ टी आर ऑफ टी है ना। तो वो बोल रहा है ये जो रेंज स्पेस ऑफ टी है, ये हम लोगों को मालूम है ना, रेंज स्पेस ऑफ टी किसका सबस्पेस बनता था, इस वी वेक्टर स्पेस का है ना, कोडोमेन का। तो वो बोल रहा है ये जो रेंज स्पेस ऑफ टी है इसका जो डायमेंशन होगा, क्योंकि ऑब्वियसली सबस्पेस है तो डायमेंशन होगा, तो इसका जो डायमेंशन होगा इसको हम रैंक ऑफ टी बोलते हैं, और ये डिनोट किससे करते हैं हम लोग इसको, रो ऑफ टी। तो रो ऑफ टी किसका डायमेंशन होता है, रेंज स्पेस ऑफ टी का, ठीक है। सिमिलरली जो आपका एन ऑफ टी था, नलिटी ऑफ टी, जो कि किसका सबस्पेस बनता था, यू वेक्टर स्पेस का, इस नलिटी ऑफ टी स्पेस की जो डायमेंशन होती है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, नलिटी ऑफ टी से, एंड इज डिनोटेड बाय इसका सिंबल क्या है, ये म्यू ऑफ टी। क्लियर है ये। अब इसके बेसिस पे एक थ्योरम है जिसको हम साइलवेस्टर्स लॉ भी कहते हैं। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम यू वेक्टर स्पेस टू वी वेक्टर स्पेस, देन रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल होती है डायमेंशन ऑफ यू के। क्लियर है, मतलब रो ऑफ टी प्लस म्यू ऑफ टी किसके बराबर होती है, डायमेंशन ऑफ यू, मतलब ये जो यू है डोमेन है उसका डायमेंशन किसके बराबर होता है, वो जो आपका रेंज स्पेस ऑफ टी होता है उसका डायमेंशन, प्लस जो आपका नलिटी ऑफ टी होता है, नल स्पेस ऑफ टी होता है, उसका डायमेंशन को सम करेंगे तो यू का डायमेंशन आ जाएगा। ये थ्योरम कहती है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको। तो सबसे पहले देखो, हमें पता है जो आपका नलिटी ऑफ टी होता है ना, वो किसका सबस्पेस होता है, यू का। तो पहले मैं ना नलिटी ऑफ टी मतलब एन ऑफ टी का बेसिस निकाल लेती हूँ, फाइन, मतलब एक तरह से लेट कर लेती हूँ। तो लेट यू वन यू टू यू एम बी अ बेसिस ऑफ एन ऑफ टी, सो डायमेंशन क्या हो जाएगा एन ऑफ टी का, जिसको हम म्यू ऑफ टी बोलते हैं वो एम हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एम एलिमेंट्स हैं। अब क्योंकि जो नलिटी ऑफ टी है उसका बेसिस मैंने ये माना है, अगर ये बेसिस है तो ऑब्वियसली ये वेक्टर्स क्या होंगे, एल आई भी होंगे, स्पैन भी कर रहे होंगे एन ऑफ टी को। बट क्योंकि एन ऑफ टी नलिटी ऑफ टी किसका सबस्पेस है, यू वेक्टर स्पेस का सबस्पेस है ना, तो मतलब ये जो वेक्टर्स है यू वन यू टू यू एम ये ऑब्वियसली यू के भी एलिमेंट्स होंगे, है ना, और ये वेक्टर्स क्या है, एल आई वेक्टर्स है, तो ये एल आई वेक्टर्स यू के एक तरह से एल आई वेक्टर्स का सेट बना रहे हैं। और हमें पता है कि अगर किसी भी वेक्टर स्पेस की मुझे एल आई वेक्टर्स पता है तो हम उसको एक्सटेंड करके क्या बना सकते हैं, बेसिस बना सकते हैं यू की। तो देयरफॉर देन यू वन यू टू यू एन बीइंग एल आई इन एन टी विल बी एल आई इन यू ऑल्सो, एंड दिस वी कैन एक्सटेंड दिस बेसिस, ये जो एन ऑफ टी मतलब नलिटी ऑफ टी है, नल स्पेस ऑफ टी की जो बेसिस है इसको मैं एक्सटेंड कर सकती हूँ, किसकी बेसिस बनाने के लिए, यू की बेसिस बनाने के लिए। तो मान लो यू वन यू टू यू एम इन वेक्टर्स में मुझे और वेक्टर्स क्या जोड़ने पड़े, यू एम प्लस वन यू एम प्लस टू अप टू सो ऑन यू एन, ये वेक्टर्स मुझे और जोड़ने पड़े ताकि ये किसकी बेसिस बन गई, यू की। अब क्वेश्चन में आपको क्या प्रूफ करना है, देखो आपका डायमेंशन ऑफ यू क्या आ गया, फिर यहां से इससे एन आ गया, और नल स्पेस ऑफ टी इसका डायमेंशन आपने क्या माना है, एम माना है। तो अब आपको प्रूफ करके क्या लाना है कि रैंक ऑफ टी मतलब जो रेंज स्पेस ऑफ टी है उसका डायमेंशन फिर पक्का क्या होना चाहिए, एन माइनस एम होना चाहिए ना, तभी एन माइनस एम प्लस एम कट के किसके बराबर आएगा, एन के बराबर आएगा ना। तो मेरा मेन फोकस अब ये है रैंक ऑफ टी निकालना। तो देखो अब इतना काम हमने कर लिया है, तो देन हमारे पास क्या आ गया है, डायमेंशन ऑफ एन ऑफ टी, नल स्पेस ऑफ टी का जो डायमेंशन है जिसको म्यू ऑफ टी कह रहे हैं वो यहां से एम आ गया है, और डायमेंशन ऑफ यू वेक्टर स्पेस क्या आ गया है, एन आ गया है। तो वी शैल फर्स्ट शो दैट, अब देखिए अब मेरा मेन काम क्या है, जो रेंज स्पेस ऑफ टी है उसका डायमेंशन क्या दिखाना है, एन माइनस एम दिखाना है। तो अब रेंज स्पेस ऑफ टी में डायमेंशन एन माइनस एम कब आएगा, जब आप उसकी बेसिस निकाल सके एक ऐसी जिसमें कितने वेक्टर्स हो, एन माइनस एम वेक्टर्स हो। तो अब जो देखो पहली बात तो रेंज स्पेस ऑफ टी यहां पड़ा होगा, किसका सबस्पेस है, वो वेक्टर स्पेस वी का है ना, कोडोमेन का। तो यहाँ पे जो वेक्टर्स होंगे यू वन यू टू यू एन वट एवर, तो उनकी जो इमेजेस होंगी वो आएंगी किसमें, रेंज स्पेस ऑफ टी में। तो यहाँ पर जो रेंज स्पेस ऑफ टी है ना उसकी बेसिस में, उसकी बेसिस में क्या प्रूफ करूंगी, देखो आपका यू वेक्टर स्पेस में एलिमेंट्स ये हैं,
और nullity of t में ये थे, ठीक है। अगर आप इसमें से ये वाले वेक्टर्स हटा दो, तो ये वाले जो वेक्टर्स बन रहे हैं ना, ये कितने वेक्टर्स हैं गिनती में, n माइनस m ही तो है ना। तो इन वेक्टर्स की जो इमेजेस आएगी, टी ऑफ यू एम प्लस वन, टी ऑफ यू एम प्लस टू, अप टू सोन टी ऑफ यू एन, जो ये सेट है ना, इसको मैं प्रूव करूंगी किसकी बेसिस, r ऑफ t की। तो वी शुड फर्स्ट शो दैट द सेट s डैश इक्वल टू टी ऑफ यू एम प्लस वन, टी ऑफ यू एम प्लस टू, टी ऑफ यू एन इज अ बेसिस ऑफ r ऑफ t। तो कैसे शो करेंगे इसको बेसिस रेंज स्पेस ऑफ टी की, यही बनेगी। अब इसको एज अ क्वेश्चन भी, क्वेश्चंस में भी चीज यूज हो सकती है, तो इसको याद रखना कि अगर आपको यू का बेसिस पता है, नलिटी ऑफ टी की पता है, तो रेंज जो आपका रेंज स्पेस ऑफ टी होता है उसकी बेसिस ये बनती है। क्या बनती है कि जो यू वेक्टर स्पेस में, मतलब नलिटी ऑफ टी से जो आपने यू की वेक्टर स्पेस की बेसिस बनाई है एक्सटेंड करके इसको, तो जो एक्स्ट्रा वेक्टर्स आए हैं ना उनकी इमेजेस का जो सेट होता है वो किसकी बेसिस बनती है, रेंज स्पेस ऑफ टी की। अभी प्रूफ कर लेते हैं बनती भी है नहीं बनती है। तो क्या शो करेंगे बेसिस दिखाने के लिए, वही चीज एल आई होने चाहिए एज वेल एज स्पैन करने चाहिए। तो देखिए, सिंस ये जो आपका एस सेट है ये किसकी बेसिस है, यू की, तो एवरी वेक्टर ऑफ यू बिलोंग्स टू यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एन वेक्टर्स। तो यू किसके बराबर होगा, कोई भी एलिमेंट ए वन यू वन प्लस ए टू यू टू प्लस ए एम यू एन प्लस ए एम प्लस वन यू एम प्लस वन प्लस ए एन यू एन, ठीक है। एंड हेंस ईच वेक्टर टी ऑफ यू इन आर ऑफ टी कैन बी गिवन बाय, अब ये यू वेक्टर आपने कहां से उठाया, यू से, डोमेन से, ठीक है। तो इसकी जो यू वेक्टर की जो इमेज होगी, जो कि क्या होगी, टी ऑफ यू, वो किसको बिलोंग करेगी, रेंज स्पेस ऑफ टी को। तो अगर यू वेक्टर ये होगा तो टी ऑफ यू कैसे आ जाएगी, दोनों तरफ टी लगा दो तो टी ऑफ यू किसके बराबर आ जाएगा, टी ऑफ ये पूरा, एंड क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी से क्या बन जाएगा, ए वन टी ऑफ यू वन प्लस ए टू टी ऑफ यू टू प्लस ए एम टी ऑफ यू एम प्लस ए एम प्लस वन टी ऑफ यू एम प्लस वन प्लस ए एन टी ऑफ यू एम। नाउ सिंस यू वन यू टू यू एम ये जो पहले एम वेक्टर्स हैं वो तो नलिटी ऑफ टी के बेसिस बन रहे हैं, और क्योंकि नल स्पेस ऑफ टी की बेसिस बन रहे हैं, मतलब नल स्पेस ऑफ टी के एलिमेंट्स भी होंगे, और हमें पता है कोई भी एलिमेंट एन ऑफ टी में जाता है तो उसकी इमेजेस क्या होती हैं, जीरो। तो मतलब टी ऑफ यू वन टी ऑफ यू टू टी ऑफ यू एम क्या होंगे, जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, और बाकी सब कुछ एज इट इज। तो हमें क्या मिल गई, टी ऑफ यू की इमेज ए एम प्लस वन टी ऑफ यू एम प्लस वन प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए एन टी ऑफ यू एन। तो यहां से मैंने क्या नोटिस कर लिया कि आपका कोई भी एलिमेंट टी ऑफ यू आप रेंज स्पेस ऑफ टी से उठा रहे हो तो वो किसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा गया है, टी ऑफ यू एम प्लस वन टी ऑफ यू एम प्लस टू अप टू सोन टी ऑफ यू एन, मतलब इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है ना कोई भी एलिमेंट रेंज स्पेस ऑफ टी का। देयरफोर ये जो सेट है ये क्या बन रहा है, स्पैनिंग सेट बन रहा है, किसका, रेंज स्पेस ऑफ टी का। आपने स्पैनिंग दिखा दिया, अब क्या दिखाना है इनको, सिर्फ एल आई और दिखाना रह गया। एल आई कैसे शो करते हैं, तो आप इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के बराबर रखेंगे तो वी शुड शो दैट द सेट एस डैश इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो आप इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ए एम प्लस वन टी ऑफ यू एम प्लस वन प्लस ए एम प्लस टू टी ऑफ यू एम प्लस टू प्लस अप टू सोन ए एन ऑफ टी ऑफ यू एन इक्वल टू जीरो रखेंगे। अगेन सिंस टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो ये अंदर चले जाएंगे ना, क्या बन जाएगा, टी ऑफ ए एम प्लस वन यू एम प्लस वन प्लस टी ऑफ ए एम प्लस टू यू एम प्लस टू प्लस ए एन यू एन इक्वल टू जीरो। अब अगेन टी लगने के बाद किसी भी वेक्टर की अगर इमेज जीरो आती है तो वो एलिमेंट किसको बिलोंग करता है, नलिटी ऑफ टी में ना, डेफिनेशन यही होती है ना नल स्पेस ऑफ टी की, क्या होता है कि कोई वो वेक्टर्स यू जाएंगे यू वेक्टर स्पेस के सच दैट टी ऑफ यू क्या हो, जीरो। तो क्योंकि टी लगने के बाद इस वेक्टर की इमेज जीरो आ गया तो ये वेक्टर किसमें बिलोंग करेगा, नलिटी ऑफ टी में। और क्योंकि ये वेक्टर अब नलिटी ऑफ टी में गया है, नल स्पेस ऑफ टी में गया है, तो नल स्पेस ऑफ टी की मैंने बेसिस क्या मानी है, यू वन यू टू यू एम। तो ये जो वेक्टर है पूरा का पूरा ये किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, यू वन यू टू यू एम के। तो मतलब ये वेक्टर के लिए आपको क्या मिलेंगे, बी वन बी टू बी एम को स्केलर्स मिलेंगे सच दैट ये पूरा वेक्टर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। मतलब ये वेक्टर किसके बराबर होगा, बी वन यू वन प्लस बी टू यू टू प्लस बी एम यू एम, सब कुछ एक साइड पे ले जाओ तो फाइनली आपको ये चीज इक्वल टू जीरो मिलेगी। अब ये क्या है, किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, वेक्टर्स यू वन यू टू यू एन का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के बराबर है। बट सिंस यू वन यू टू यू एन वेक्टर्स को किसकी बेसिस बना रहे हैं, मेरे मेन वेक्टर स्पेस यू की, तो देयरफॉर ये वेक्टर्स कैसे होने चाहिए, एल आई। तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो तभी हो सकता है जब सारे स्केलर जीरो होंगे, माइनस बी वन माइनस बी टू माइनस बी वन ए एम प्लस वन ए एम प्लस टू सब जीरो के इक्वल। तो यहां से ये वाले स्केलर्स भी तो जीरो आ गए ना, और अगर ए एम प्लस वन ए एम प्लस टू ए एन स्केलर जीरो आ गए तो मतलब ये वेक्टर्स टी ऑफ यू एम प्लस वन टी ऑफ यू एम प्लस टू
एंड टी ऑफ यू एन के आ गए जीरो. तो हेंस यहां से आपके जो ये एस डैश सेट था इन वेक्टर्स का, ये क्या बन गया है, एल आई भी हो गया है, स्पैन भी कर गया है आर ऑफ टी को, देयरफॉर ये क्या बन गया है, बेसिस बन गया है आर ऑफ टी के. तो यहां से आपका रेंज स्पेस ऑफ टी का डायमेंशन क्या आ गया है, एन माइनस एम, मतलब रैंक ऑफ टी या फिर ये जो रो ऑफ टी है वो एन माइनस एम आ गया. तो यहां से आप लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया कि रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी, रैंक ऑफ टी क्या है एन माइनस एम प्लस नलिटी ऑफ टी कितनी थी, शुरू में ली थी एम, कट के क्या आ गया एन, और एन किसका डायमेंशन है, यू का. तो हेंस द थ्योरम इज डन. तो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर में एज इट इज एग्जाम्स में ये जो थ्योरम है वो भी पूछ लेते हैं, और इसका जो प्रूफ है वो भी इंपॉर्टेंट है फॉर क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू. तो इसको करके रखिए, हैंड रिटन भी करना एक बार इसको जरूर. तो करके रखिए, इतना कुछ दिक्कत आए तो पूछना. थैंक यू.